अस्सलाम वालेकुम, मैं क्लेमा और आपका वेलकम है मेरे किचन मरियम किचन मरियम में। आज मैं बनाने जा रही हूँ पेड़ा। तो ये बहुत ही टेस्टी डिज़र्ट है। आप इसे किसी ओकेज़न पे या तो किसी फेस्टिवल पे आप इसे इजीली अपने घर पे बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, इस आसान और टेस्टी सी पेड़ा की रेसिपी को शुरू करते हैं। मावा का पेड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले मावा। तो यहाँ मैंने 100 ग्राम फ्रेश मावा ले लिया है, मीन्स खोया। आप पेड़े को दूध में भी बना सकते हैं, तो मैं इस पेड़े को आज मावे में बनाऊंगी। और यहाँ मैंने लिया है पिसी हुई चीनी 1/3 कप। आप इसकी जगह तगार या फिर भूरा का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1/3 चम्मच इलायची पाउडर। गैस ऑन करके गैस में मैंने एक पैन रख दिया है। पैन में हम ये मावे को डाल देंगे। तो हम इसे थोड़ा सा हाथ से ऐसे मैश कर लेंगे जिससे कि ये जल्द से जल्द मेल्ट हो जाए। अब इसे हमें लगातार चलाते हुए रहना है क्योंकि मावा नीचे से पकड़ने लगेगा। तो गैस का फ्लेम लो मीडियम या मीडियम रखें। तो इस तरीके से हम इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से मैश कर लेंगे। इस प्रोसेस को हमें लगातार करना है जब तक कि मावा अच्छे तरीके से हल्का सा लाइट गोल्डन ना हो जाए। इससे क्या होगा कि पेड़े की लाइफ बढ़ जाएगी। तो अब हम इसमें डाल देंगे इलायची का पाउडर, या ऑप्शनल है। अगर आपको टेस्ट पसंद आता है इसका फ्लेवर तो आप इसमें ज़रूर ऐड करें। तो हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पीसी हुई चीनी डालेंगे। आप इसी जगह तगार या तो फिर भूरा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे अब हम लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि चीनी डालने पर ये थोड़ा सा और गीला होता है मिक्सचर, तो इस बात का ख्याल रखें। गैस का फ्लेम अब ऑफ कर देना है और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ हमारे पेड़े का मिक्सचर ठंडा हो चुका है, तो इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। अब हम अपने हाथ में घी या तेल लगा लेंगे जिससे कि हमारा पेड़ा अच्छे से राउंड शेप में और ये गदेली में चिपके नहीं। तो मिक्सचर बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, ये हल्का गर्म ही रहे तभी आप इस पेड़े को बना लेने हैं, तो उसके बाद ये पेड़े नहीं बनेंगे। तो यहाँ इस तरीके से इसे राउंड शेप में हमें बना लेना है। तो पेड़े को आप अपने साइज के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने इक्वल साइज के बॉल्स बना लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो सेम इसी प्रोसेस से हम सारे बॉल्स बना लेंगे। तो यहाँ हमने अपने सारे बॉल्स एक एक करके बना लेना है। तो एक बार मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ कि इस तरीके से मैंने इसे बनाया है। तो आप देख सकते हैं एकदम गोल हो चुका है। अब हमें इसे थोड़ा सा पेड़े का शेप देना है। तो आप अंगूठे से या कोई भी हाथ की उंगली से इसे हल्का सा बीच में सेंटर में प्रेस कर दें। तो यहाँ हमारा एक पेड़ा बन के रेडी हो चुका है। सेम इसी प्रोसेस से फिर हम बीच में इसे सेंटर में प्रेस करेंगे और यहाँ हमारा दूसरा पेड़ा भी रेडी हो चुका है। तो बाकी के बचे हुए पेड़े को भी हम इसी तरीके से पेड़े का शेप दे देंगे। यहाँ हमारे सारे पेड़े के बॉल्स रेडी हो चुके हैं। तो बस हम इसे थोड़ा सा सेंटर से प्रेस कर देंगे और यहाँ देख सकते हैं हमारा पेड़ा रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो इस पेड़े को आप किसी ओकेज़न पे या किसी फेस्टिवल पे आप बना सकते हैं। तो दशहरे में या दिवाली में आप इस पेड़े की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आपको और आपके घर वालों की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है। तो यहाँ हमारा मावा का पेड़ा बन के रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कितना प्रॉपर और कितना बढ़िया शेप इसका आया है और ये बहुत ही बढ़िया बना है। हमारा मावा का पेड़ा बन के तैयार हो चुका है, ये बहुत ही डिलीशियस बना है। तो इस दिवाली इस पेड़े की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं मैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ।